नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों लास्ट ट्रेड पर जो हम लोग को यहाँ पे तेज़ी जो देखने को मिली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। साथ ही साथ अगर जो रिकवरी है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। पर फिलहाल अभी टाइम जो मार्केट में जो रिकवरी है वो किस लेवल तक यहाँ पे जाने वाली है, क्वार्टर टू को लेकर क्या अपडेट यहाँ पे रहने वाली है, और कंपनी के दोस्तों कर्ज को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम हम लोग का जो है अभी टाइम फ्रेश एंट्री अभी टाइम लेने की आवश्यकता है नहीं, या फिलहाल हम लोग का जो है अब जितना शेयर पहले से बाय किया है उसी को होल्ड रखने में हम लोग की जो रिकवरी है हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो लास्ट क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली दोस्तों 1.05 रुपये पर देखने को मिली। फंडामेंटल में जो रिटर्न्स में जो जंप यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों वो 16.67% की बड़ी मल्टीपल अगर रिटर्न्स की जंप यहाँ पे रिकवर होती हुई देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो कर्ज यहाँ पे होने वाला है वो भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अगर यहाँ पे कंपनी के कर्ज की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 4508 करोड़ का वर्तमान में जो कर्ज है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उससे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर दोस्तों 1,4 हज़ार करोड़ का फ्रॉड का केस ऑलरेडी पहले से अभी टाइम दोस्तों पिछले लास्ट 1 महीने के अंदर जो दायर हुआ है वो अभी दोस्तों कोर्ट में अभी चल रहा है। फिलहाल दोस्तों उसको लेकर अभी तक CBI की तरफ से कोई पुष्टि यहाँ पे नहीं की गई है कि जो केस यहाँ पे दायर हुआ है वो सच में फ्रॉड किया गया है या दोस्तों ओनली फर्जी तरीके से यहाँ पे जो केस है वो यहाँ पे दायर करवाया गया है। तो अभी टाइम दोस्तों ये केस तो अभी टाइम पेंडिंग देखने को मिल रहा था। इस चीज़ को हम साइडवेज करके देखें तो कंपनी में जो कर्ज यहाँ पे दोस्तों 4508 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब उसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1,345 करोड़ का मार्केट कैप वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अभी टाइम कंपनी में जो फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, अचानक जिस प्रकार यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग तेज़ी यहाँ पे क्रिएट होती हुई देखने को मिली, और फंडामेंटल जो देखने को मिला वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस को क्रिएट करता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिस प्रकार की यहाँ पे अचानक जो तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है तो हम लोग को दोस्तों अभी टाइम फ्रेश एंट्री बनाने की आवश्यकता है नहीं मेरे एनालिसिस के मुताबिक। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले टाइम अगर यहाँ पे हम लोगों ने जिस प्रकार यहाँ पे फ्यूचर पैसे पर बाइंग अगर यहाँ पे की है तो मार्केट दोस्तों अभी टाइम वर्तमान में देखा जाए तो 1.05 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर यहाँ पे जो चार्ट का संकेत जो देखने को मिल रहा है, कैंडलस्टिक जो पैटर्न अभी टाइम देखने को मिल रहा है वो रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट तेजी से इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ जो अभी टाइम देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को दोस्तों पेशेंस के साथ हम लोग को अभी टाइम मार्केट में एंट्री लेने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल जो पिछले टाइम से जो एंट्री ली हुई उसी को दोस्तों सबसे पहले तो लॉस रिकवर करने की आवश्यकता है। बाद में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे लगता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली तेजी अगर यहाँ पे बढ़ती है तो मार्केट में हम लोगों को यहाँ पे फिर से फ्रेश एंट्री बनाने की आवश्यकता है। पर पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के दोस्तों जो है सर्विलेंस इंडिकेटर NSE की तरफ से जो जारी किया गया है उसमें कंपनी का यह भी बताया गया कि पिछले 8 क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी ने लॉस मेकिंग का कार्य किया है। तो दोस्तों उस सर्विलेंस इंडिकेटर को दोस्तों जब तक मार्केट में रिकवरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग को दोस्तों बिल्कुल भी जो है आप लोग को फ्रेश एंट्री बनाने की आवश्यकता है नहीं। उससे के विपक्ष में अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों क्वार्टर टू के लेकर अभी के टाइम जो अपडेट यहाँ पे नजर आ रही है, सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो दोस्तों जो प्रॉफिट की ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ अभी टाइम तो नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता देखने को मिल रही है। सेल्स की ग्रोथ में तो वापस ऑलरेडी दोस्तों सुधार वापस आ चुका है, पर जो नेगेटिविटी तो देखने को मिल रही है प्रॉफिट की ग्रोथ में काफ़ी बड़ी जो नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है 20.5% पर। तो अभी टाइम दोस्तों इस चीज़ का सुधार की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो 54.3 का जो है इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे रहने वाला है और कंपनी के 100% शेयर दोस्तों अभी टाइम गिरवी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कंपनी को दोस्तों इन सब चीज़ों को दोस्तों सबसे पहले छुड़ाने की आवश्यकता रहने वाली है। कंपनी का दोस्तों जैसे जैसे कर्ज यहाँ पे कम होता है दोस्तों कंपनी को अपने शेयर छुड़ाने की सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि जो फंडामेंटल देखने को मिल रहा है वो दोस्तों इसी प्रकार वीक देखने को मिला है। और दोस्तों जैसे जैसे कंपनी का कर्ज यहाँ पे बढ़ता गया दोस्तों कंपनी के जो शेयर है वो यहाँ पे गिरवी होते हुए देखने को मिले हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग को आगे बेसिक जानकारी और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो दोस्तों। उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट में जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न का जो डेटा अभी टाइम नजर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो लगातार जो मार्केट में दोस्तों बाइंग ऑर्डर जो देखने को मिला है उससे के चलते दोस्तों कंपनी में जो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था तो बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों लगातार जो मार्केट दोस्तों लोअर ट्रेंड की तरफ जो तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था वो अभी टाइम लोअर ट्रेंड की तरफ से दोस्तों अपर ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आया। और मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों अपनी जो फंडामेंटल को जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता हुआ फिर से नजर आया। क्योंकि दोस्तों अगर कंटिन्यू
एक्सपीरियंस लेकर या फिर कंपनी में ब्रेकआउट या फिर देखा जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि दोस्तों कंपनी ने सफोर्ट जोन ले लेकर दोस्तों मार्केट में जो रिकवरी थी वो यहाँ पे वापस की बनी, यहाँ पे वापस जाकर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में बड़ी गिरावट का संकेत यहाँ पे फिर से देखने को मिला। पर जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे मार्केट में दोस्तों जो कंपनी को नीला इंफ्रास्ट्रक्चर और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के दोस्तों यहाँ पे बड़े जो प्रोजेक्ट मिले गुजरात वडोदरा के अंदर, तो उसके बाद जो मार्केट में दोस्तों जो यहाँ पे लहर देखने को मिली बड़े इन्वेस्टरों की, तो वो काफ़ी तेजी के साथ देखने को मिली और फंडामेंटल जो देखने को मिला वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिला। पर क्वार्टर टू में दोस्तों कंपनी की थोड़ी सी जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आने वाली है और पिछले टाइम दोस्तों जो कंपनी के ऊपर जो फंडामेंटल नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं तो वो यहाँ पे रिकवर होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब।